हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास ट्वेल्थ का एक नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहली बात, केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है ना, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन अकर्स, है ना। इसमें हम देखेंगे कि रिएक्शन का रेट क्या होता है और उसकी मैकेनिज्म कैसे, किस प्रकार से होती है। अब रेट क्या होता है, है ना, रेट के बारे में हम बात करें, किसी रिएक्शन के रेट के बारे में, तो हमने बोला इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना। क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, है ना, ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम फॉर ए जनरल रिएक्शन इंटरवल ऑफ आर गिव्स पी, आर मतलब रिएक्टेंट, पी मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैंने बोला कि हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें रिएक्टेंट काय में कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो समय के साथ क्या होगा, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर मान लीजिए हमें इसका रेट लिखना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, आर मतलब रिएक्टेंट, आर मतलब रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितना टाइम लगा, ठीक है। हो सकता है कभी थोड़ी कुछ रिएक्शन जल्दी हो जाती है, कुछ रिएक्शन देर से होती है। फिर हमने बोला कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो बढ़े, तो हमने क्या बोला, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, पी मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है, पी मीन्स प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, है ना। तो फिर ये आया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये देखिए ये मैंने यहाँ पर लिखा है डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आई है, इसलिए साइन काय का लगा है माइनस का, ये बात ध्यान रखें, और ये साइन लगा है एक्टिव मास का, और इसके अंदर क्या है, आर अपॉन डेल्टा मतलब चेंज और टी मतलब टाइम इज इक्वल टू पी का कंसंट्रेशन बढ़ा है, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन, है ना, एक्टिव मास, ये पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये बढ़ा है तो इसलिए हमारे पास डेल्टा साइन आया प्लस का। एक्टिव मास की बात पहले भी हमारे पास हो चुकी है, प्रीवियस क्लास में भी हो चुकी है, 11th में भी आपने पढ़ा है, ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट काय को करता है, कंसर्न्ड ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट काय को करता है, ये रिप्रेजेंट करता है एक्टिव मास को, ठीक है। और एक्टिव मास क्या होता है, है ना, एक्टिव मास क्या होता है, तो अगर हम एक्टिव मास की बात करते हैं, तो एक्टिव मास जो होता है हमारे पास, उसका बोलते हैं ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, है ना, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्टिव मास, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया N2 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ले लें, तो एक नाइट्रोजन का होता है 14, ठीक है, प्लस दूसरी भी नाइट्रोजन है उसका भी कितना है 14, टोटल कितना आ गया 28 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अगर हम इसके अंदर एक्टिव मास के अंदर कोई चीज़ लिखते हैं तो वो हमारे को क्या देती है भाई, उसका ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन देती है, जैसे मैंने अभी एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन के बारे में लिखा, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, जो नेगेटिव साइन लगाया था, द नेगेटिव साइन इन द रेट एक्सप्रेशन इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, अगर नेगेटिव साइन लगाए तो वो क्या होता है, कम होता है, और प्रोडक्ट के अगर पॉजिटिव लगाए तो वो बढ़ता है। यूनिट क्या है रेट की, तो वो हमारे पास मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और एटमोसफियर सेकेंड इनवर्स काय के लिए गैसेस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। आगे क्या है, मीन द एवव एक्सप्रेशन इज रेट गिव अस द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, है ना, ये हमें क्या देता है, एवरेज रेट देता है, है ना। मतलब अभी हमने जो एक्सप्रेशन लिखा था, पहले क्या लिखा था, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डेल्टा टी, अगर हम ये लिखते हैं तो ये हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके आगे हम बात करेंगे काय की, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मान लीजिए आप किसी रिएक्शन का रेट एक पर्टिकुलर टाइम पर निकालते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट। इसको हम कैसे बताएंगे, तो हमने बोला इट इज़ द रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर
टाइम एंड मेजर्ड ए वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन चेंज ओवर ए वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है. फॉर ए जनरल रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट कैसे लिखेंगे हम, इज इक्वल टू माइनस साइन कोई रिएक्टेंट कम हो रहा है इसलिए डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस साइन यहाँ पर लगा है. कोई साइन लगा मतलब प्लस लगा, आप चाहे तो लगा सकते हैं, प्लस डी एक्टिव मास ऑफ पी अपॉन डी टी. ठीक है. तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पर अगर आपको किसी रिएक्शन का रेट निकालना है तो वो क्या इंडिकेट करेगा आपको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. आगे देखते हैं. देखिए इसके आगे है इस जनरल एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन. मान लीजिए एक रिएक्शन है स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी. इसके लिए हमें दोनों प्रकार के रेट लिखने हैं, मतलब दोनों प्रकार के रेट लिखने मतलब एक एवरेज रेट लिखना है और एक इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है. तो एवरेज रेट हम कैसे लिखेंगे, माइनस वन अपॉन ए डेल चेंज डेल्टा डेल्टा मतलब चेंज डेल ए अपॉन डेल टी यानी एक रिएक्टेंट के में चेंज अपॉन कितने समय में हुआ वो इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन बी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी. दोनों रिएक्टेंट क्या है माइनस का साइन लगा इसका मतलब क्या है समय के साथ इनका कंसंट्रेशन कम हो रहा इज इक्वल टू वन अपॉन सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वन अपॉन डी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी. इन दोनों का प्लस का साइन लगा मतलब समय के साथ इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है. ये जो है ये कौन सा रेट है, एवरेज रेट है. हम आगे की बात करेंगे अगर मान लीजिए हमें इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे माइनस ए माइनस वन अपॉन ए डी एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डी टी माइनस वन डी एक्टिव मास ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन अपॉन सी डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन एक्टिव मास ऑफ डी वन अपॉन डी एक्टिव मास ऑफ डी अपॉन डी टी. तो ये हम इस प्रकार से दोनों लिखना आना, एवरेज रिएक्शन का एवरेज रेट लिखना आना और इंस्टेंटेनियस रेट भी दोनों लिखना आना. देखिए आगे है रेट लॉ. रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ की अगर हम बात करें तो हमने बोला इट इज एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड एक्सप्रेशन विच रिलेट्स रेट ऑफ रिएक्शन विद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना. मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट करे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से वो क्या कहलाता है, रेट लॉ, है ना. तो हमने लिखा है फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट. इसके लिए अगर हमें रेट लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एम अपॉन एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर एन. आप चाहें तो इस एम को यहाँ इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम ए प्लस एन बी गिव्स पी. तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी. जब रेट लिखते हैं तो ये काई के अंदर आ जाते हैं, ये काई के ऊपर आ जाते हैं, पावर के ऊपर ऊपर आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं. तो रेट हमने लिखा रेट डायरेक्टली तो कोई नहीं काई के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एन इनटू कोई साइन नहीं है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन इनटू एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर एन. अब रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्टिव मास ऑफ ए टू द पावर एन एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर एन. के क्या है, के हमारे पास क्या है, कॉन्स्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट. ठीक है, ये है. अब मैंने बोला इफ एक्टिव मास ऑफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू वन मोल लीटर इनवर्स, है ना. यदि हमारे पास जो है ए बराबर काय के हो जाए बी के और बी बराबर काय के हो जाए वन मोल लीटर इनवर्स के, तब क्या हुआ, देन रेट काई के बराबर हो जाएगा हमारे पास के बराबर हो जाएगा. ठीक है, उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, दस रेट कॉन्स्टेंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इन द रिएक्शन इज यूनिटी. ठीक है, तो ये हमारे पास रेट लॉ था. ठीक है, ये क्या था, रेट लॉ. अब आगे